तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, द बेसिक सीयूटी लेवल पे पढ़ेंगे। तो सीयूटी पे देखो होता क्या है कि अगर आप देखोगे इसका सिलेबस तो कम्प्लीटली 12 बेस्ड है, और दूसरी चीज आपको ओरिएंटेशन में बताया भी गया था, इसका लेवल ऑफ द क्वेश्चन इतना टफ नहीं आएगा। ठीक है, मतलब बेसिक एकदम इजी भी नहीं, एकदम टफ भी नहीं, मीडियम बेसिक लेवल पे आएगा। तो आपको जो 12th की अंडरस्टैंडिंग है उसका अगर आपने ढंग से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया तो आपका ये पेपर भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका फायदा क्या होगा कि अभी जो आगे बैचेस चलेगी, क्लासेस चलेगी, उसमें 12th का सिलेबस कवर होगा, तो आपका बोर्ड्स का भी रिविजन हो जाएगा और साथ साथ हम सीयूईटी का 12th पोर्शन में अपन रिवाइज कर ले। बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, बाकी मेन बाकी बोर्ड्स में तो आपके सब्जेक्टिव है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस दोनों तरह से हो जाएगी। तो आपको ये जो चैप्टर है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में करूंगा, बाकी आपको होमवर्क भी दूंगा, आप एग्जाम्पलर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम्पलर में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पलर हो गया, एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है कि थोड़े अच्छे लेवल पे। तो मैं आपको आज क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आप एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस और मिक्स करके दूंगा, तो आप वो भी ट्राई करना घर पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद में थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको ट्राई करवा दूंगा। ठीक है, करें स्टार्ट, आवाज क्लियर है सबको? हेलो सर, जो हमारा पहले यस सर। क्लासेस होता था 8:30 बजे, वो नहीं होगा क्या अब? हाँ, अब आपकी इस एक्चुअली हुआ कि पुराने आपके क्लासेस पहले लगते थे, अब ये सीयूईटी के हिसाब से क्रैश कोर्स है, तो फिलहाल अभी आपका डेली एक एक क्लास चलेगा यही इस टाइम पे। हो सकता है आगे क्लासेस बढ़ जाए, देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपका डेली बैचेस अभी ये चलेगा 7 से 8, 8:30 तक। ठीक है, हफ्ते में, हफ्ते में 6 क्लास लगेगी जैसे पहले लगती थी। जैसे आज मैथ है, कल मंडे को केमिस्ट्री था आपका, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, कल लिंक नहीं आया था क्या आपको कोई? नो सर, कल नहीं आया था। ओके ओके, वो तो आपका ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन और फ्राइडे के दिन आपका फिजिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, करें स्टार्ट। बाकी लोग सबको आवाज क्लियर है क्या? जल्दी बता यस दो। सर, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं फिर। रिलेशन एंड फंक्शन, कहीं पे भी डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो फटाफट एक बार पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, तो देखो इसका बेसिक अगर स्टार्टिंग करो तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग सेट से होता है। आप जानते होंगे सेट्स क्या, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो कोई एक सेट ले लिया मैंने, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, सपोज 3, 4, ये सेट हो गया। ठीक है, ऐसे सेट्स को हमने डिफाइन किया था, इसके अंदर ये जो चीजें होती है क्या होती है, एलिमेंट्स होती है। अनदर सेट मान लो मैं बी डिफाइन करता हूँ, कुछ कुछ भी ले लिया, मान लो 2, 3 और 7 ले लिया, मान लो ये कोई दूसरा सेट होगा बी। अब इस सेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल जान रखा था। अब सेट से हमने एक और टॉपिक देखा था, उसमें क्या देखा था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मतलब हमने क्या सीखा था, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मतलब क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ए और बी से ए क्रॉस बी हमें बनाना है, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयरिंग करनी है सच दैट पहला एलिमेंट सेट ए से आना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए, ऑर्डर में आना चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट सेट ए में, सेकेंड एलिमेंट सेट बी से, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर का कलेक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब सारे में कलेक्शन करना होता है, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 2, 3 और 7। अब ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में क्या क्या चीज आएगी अंदर, बताओ क्या क्या पेयरिंग बनेगी, बोलो। हेलो, सो 1, 2, 1, 3, 1, 7 हाँ, 1 के साथ इन सारे का पेयर बनेगा, तो 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन। फिर 2 के साथ इन सबका पेयर बनेगा, 4 के साथ इन सबका पेयर बनेगा, लास्ट वाला क्या बनेगा, 4, 7। अच्छा मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, ये कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल? 12 हाँ 12 आएंगे। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, 12 क्यों बनेंगे, देखो 1 के साथ 3 पेयर, 2 के साथ 3 पेयर, 3 के साथ 3 पेयर और 4 के साथ भी 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 12। कैसे निकाला, सेट ए के एलिमेंट में कितने थे, 4 एलिमेंट थे, सेट बी में 3 एलिमेंट थे, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आपके आगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इसके अलावा और बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि जैसे अगर कोई सेट है ए, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, मान लो सेट ए में मान लो एलिमेंट मान लो 1, 2, इसके सबसेट्स अगर मैं बनाऊं तो सबसेट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, एक तो 1, एक क्या आएगा 2, एक नल सेट 5 और एक क्या आएगा 1, 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, यहाँ पे 4 बने, और नंबर ऑफ सबसेट का भी एक फॉर्मूला होता था, कोई सर, बताएगा? हाँ, 2 की पावर एन टोटल नंबर ऑफ, हाँ 2 की पावर एन, वेरी गुड, 2 की पावर एन।
बाकी लोग भी आंसर देते रहो, कोई डाउट आए तो पूछना. 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल था सेट्स के बारे में. हमने यहाँ पे देखा सेट्स क्या होते हैं, फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मुला हो गया 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट. अब हमको डिटेल में जो जानना है वो है रिलेशन एंड फंक्शन. तो रिलेशन क्या है बेसिकली, सबसे पहले रिलेशन के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन. तो रिलेशन बताओ कैसे डिफाइन किया गया था, रिलेशन कोई बताएगा? कैसे डिफाइन करोगे रिलेशन को बोलो? ये किसका सबसेट होता था? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, जैसे मान लो मेरी कोई रिलेशन आर डिफाइन करना है ए से बी में, कोई रिलेशन आर डिफाइन करना है कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी में. सो ये सबसेट किसका होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. हाँ वेरी गुड, ए क्रॉस बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, उसको बोलते हैं रिलेशन. जो कुछ ना कुछ अलग तरह का रूल फॉलो करेगा, तो इसके सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उसमें हर कोई कोई ना कोई एक रिलेशन फॉर्म करेगा, और कोई ना कोई क्या करेगा, रिलेशन फॉर्म करेगा. सो रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसके अंदर कोई ना कोई हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं रिलेशन आर एक्स कॉमा वाई, और इसमें मान लो ऐसा कुछ रहे कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सपोज 1, 2, 3 एंड वाई बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू ऐसा है, और रिलेशन कैसे डिफाइन है, एक्स कॉमा वो ये, तो जो x है वो यहाँ से आ रहा है, y यहाँ से आ रहा है, तो r के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे. जैसे x को 1 रखा, तो x को आप 1 रखोगे तो यहाँ से उधर जाके माइनस होगा, तो y कितना आ जाएगा, माइनस 1. x को 2 रखोगे तो y आ जाएगा आपका 0, x को 3 रखोगे तो y आ जाएगा 1. ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया. वहीं पे अगर हम इसको बोलते, मान लो r की वैल्यू में डिफाइन कर लेता हूँ 1 से लेके या फिर माइनस 1, 0, 1, 2 और 3 ऐसे डिफाइन कर लेता. वहीं पे अगर मैं इसकी रिलेशन a क्रॉस b की बात करता, a क्रॉस b में बहुत सारे आते रिलेशन, लेकिन उसका ये कोई ना कोई ये क्या होता, पार्ट होता उसका, कोई ना ये क्या था, सबसेट था. सो रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी का ये क्या है, सबसेट है. क्या है, समझ में आया यहाँ तक? हेलो हेलो, जल्दी बताओ बच्चों, आपको आवाज आ रही है? यस सर. यस सर, आ रही. ठीक है, बताते रहना कौन कौन आया, देखे नाम तो कौन कौन है. कार्तिक, मनीषा, पवन, रोहित, जतिन. ठीक, अच्छा मुझे अगर मैं इससे पूछता कि इसका इस रिलेशन का डोमेन बताओ क्या होता, तो बताओ डोमेन में क्या क्या आता. माइनस 1, 2, 3 डोमेन में, डोमेन में 1 एक्स की वैल्यू 1, 2 और 3 नहीं, डोमेन में क्या क्या आ रहा है, जो जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं 1, 2 और 3 ये सब क्या है, डोमेन है राइट. और रेंज में सर माइनस 1, रेंज बताओ इसकी 1. वेरी गुड, माइनस 1, 0 और ये ब्रैकेट है सर, माइनस 1, 0 और 1. वेरी गुड, ये आपकी रेंज हो जाएगी, आपकी डोमेन हो जाएगी, करेक्ट. ओके, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल बस यहाँ पे ले लिया कि ए ये है, बी है, तो ए क्रॉस बी क्या क्या है, तो आप पता ही कर लोगे, एक ए और बी से सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ जाएंगे राइट. तो रिलेशन मैंने आपको बताया, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. तो अगर मान लो इसमें भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया कि मान लो सेट ए के अंदर एन एलिमेंट्स है, या चलो मैं एग्जाम्पल लेके करा देता हूँ. सेट ए के अंदर मान लो 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो बोला कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे ए से बी में, तो बताओ. हाँ सोच के बताओ, और सोचो थोड़ा, बाकी लोग भी सोचो. अभी मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है. रिलेशन क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. रिलेशन जो वो क्या, ए क्रॉस बी का सबसेट है. तो अगर ए में इतने एलिमेंट है, बी में इतने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे बोलो? 12 आ जाएंगे. ए में 3 एलिमेंट, हाँ बी में 4. तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर एन है ना. और
एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 12, तो उसकी टोटल सबसेट कितने बनेंगे 12, 2 की पावर 12। क्या समझ में आया? देखो आप ही समझा रहा हूँ। मान लो सेट ए में दो एलिमेंट है 1, 2, सेट बी में तीन एलिमेंट है 1, b, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे क्या, आप चलो इसका आंसर बताओ, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, इसका आंसर क्या आएगा? From A to B. नहीं वापिस गलत है, वापिस सोचो, relations पूछ रहा हूँ, total number of possible relations from A to B. Sir, 2 की पावर 6। हाँ, तो सब रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है वो क्या होता है आपका रिलेशन होता है, वो क्या होता है आपका रिलेशन। और नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, तो उसका सबसेट आपको देखना था, 2 की पावर कितना आ जाएगा 6। क्या है समझ में आया? हाँ यस सर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। अब ध्यान रखें, गलती ना हो, आपको ये रिलेशन हो गया, ठीक है। चलो डोमेन और रेंज मतलब देखो, अगर कोई रिलेशन आर डिफाइन किया तो सेट ए के अंदर जो जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो आपका हो जाएगा डोमेन, और रेंज मतलब सेट बी के अंदर जो जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो आपको हो जाएगा रेंज, और कंप्लीट सेट बी को अपन बोलेंगे कोडोमेन। जैसे एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो सेट ए ये रहा 1, 2, 3, और मैपिंग मान लो ऐसी कुछ करी गई है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं, मान लो अब बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, सर 1, 2, 3, 4। डोमेन क्या होगी, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। जो जो एलिमेंट अपन इमेज में यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी डोमेन, रेंज सर 2e। रेंज में बताओ रेंज में क्या क्या आएगा, रेंज में क्या क्या आएगा बताओ, 2 और 3, ध्यान रखना। हाँ 2 और 3 यूज हो रहे थे, 2 और 3। और कोडोमेन सर 2, 3, 4, 5। हाँ 2, 3, 4, 5 कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी, बी का जो कंप्लीट सेट होगा उसको बोल देंगे कोडोमेन। रेंज हो जाएगा आपका 2 और 3, और डोमेन आपका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 1 और 2, 1, 2, 3, 4 से इमेज बना रहे, 5 का यूज नहीं हुआ। क्या ये सबको समझ में आया, जल्दी बता दो, बोलो बच्चों। यस सर, क्या क्लियर है सबको? हेलो यस सर। सर आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही, लेट हो रही है। या मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते फटाफट। ओके, सेट ए दिया हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक रिलेशन आर डिफाइन किया ऑन ए, मतलब ए से ए में, मतलब इनपुट भी ए से लेना और आउटपुट भी ए से आना चाहिए, मतलब एक्स और वाई दोनों सेट ए से लेना, एक्स और वाई दोनों सेट ए से लेने, और कैसे डिफाइन करना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया। तो आप सोच के बताओ मुझे आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन आर के अंदर क्या क्या चीज आएगी, करो ट्राई, क्या क्या पेयर बनेंगे आर के अंदर, वैल्यू रख रख के देखो, एक्स और वाई की वैल्यू सेट ए से लेनी है, एक्स और वाई की वैल्यू सेट ए से लेनी ताकि इस तरह से डिफाइन हो, या तो ये और की कंडीशन है। तो आर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी से बनाओ फटाफट, सर 2, 4 और 3, 9। 2, 4, 3, 9, 4।
2.4, अच्छा तो x को 2 रखा आपने, मान लो हाँ चलो यहाँ रखा x को 2, तो y की वैल्यू 4 आ गई। और क्या आएगा, x को 3 रखोगे, रखोगे x को 3 यहाँ पे 3.9, क्या ये दो ही आएंगे और कुछ आएगा? सर दो ही आएंगे, इसके अलावा और कुछ भी आएगा क्या? बस यही आएंगे? नो सर। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे y को रख दे अपन, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। सर 4 2 और 3 9। हेलो सर, आ रही आवाज अब? हेलो आवाज अब आ रही? यस सर। सर आ रही है सर आवाज? हेलो हेलो, यस सर, यस सर ऑडिबल, यस सर। हेलो एक सेकंड, आपकी आवाज भी मुझे क्यों नहीं आ रही? एक मिनट बच्चों, आपकी आवाज मुझे नहीं आ पाई है। अच्छा मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? हाँ ना करके बताओ जल्दी से, अनम्यूट करो। यस सर, यस सर, ठीक है। एक्चुअली आपकी आवाज शायद मुझे नहीं आ पाई है। ठीक है मैं बोलता हूँ एक बार, कोई एक बार अनम्यूट करके कुछ बोलना बेटा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। एनीवन? हेलो सर, आ रही है? सर आ रही है आवाज। आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, रुको चलो मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट मैं वापस ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट। हाँ यस सर, हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है, अब क्लियर है, ठीक है सॉरी, अब आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली क्या पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, यस सर, हाँ चलो अब सही है, ओके वेरी गुड। तो यहाँ पे अच्छा आप क्या बता रहे थे, जैसे 2.4, अगर मैं मान लो वाई को यहाँ पे रख दू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ये भी अलाउड है। वो y को रख देंगे, y को रख देंगे 3.9, तो ये भी अलाउड है, ये सही है? यस सर, वेरी गुड। तो इसका डोमेन बता दो सर, 2, 3, 4, 9। वेरी गुड, 2, 3, 4, 9, परफेक्ट, और 4, 9। वेरी गुड, और रेंज? 4, 9, 2, 3, मतलब ये, हाँ वेरी गुड, सेम ही आएगा। और कोडोमेन, कोडोमेन में क्या क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ ये सारा के सारा आएगा, पूरा कंप्लीट, हाँ कंप्लीट सेट ए, कंप्लीट सेट ए वो कोडोमेन में आ जाएगा, कंप्लीट सेट ए, वेरी गुड। तो आपका ये हो गया डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तो ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ध्यान रखना। चलिए अब आगे मैं थोड़े क्वेश्चन कर रहा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या होते हैं? तीन तरह के रिलेशन जो आपको मेजरली पढ़ना पड़ता है। एक सबसे पहला क्या होता है बोलो? Reflexive. सबसे पहला वाला अपन क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। फिर एक होता है सेकंड, सिमेट्रिक, बोलो सिमेट्रिक, वेरी गुड, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, वेरी गुड। और थर्ड ट्रांजिटिव, 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 वेरी नाइस, ट्रांजिटिव।
ओके अब ये रिलेशन के टाइप्स है, मतलब रिलेशन के क्या टाइप्स है। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये फटाफट मैं आपको रिकैप करा देता हूं। तो रिफ्लेक्सिव मतलब कोई रिलेशन है आर मान लो सेट ए से सेट बी में, और सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है मान लो ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बोला गया है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है उन हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ पेयरिंग विद इटसेल्फ, मतलब अगर यहाँ पे ए आ रहा तो ए कोमा ए, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ। अगर इस हर एलिमेंट, ध्यान रखना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ पेयर विद इटसेल्फ, शुड हैव अ पेयर विद इटसेल्फ। अगर खुद के साथ ही पेयर है तो ही रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज ये, मतलब जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर उसका खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आधा छोड़ दिया, तीनों के तीनों का होना चाहिए। चार एलिमेंट होंगे तो चारों का चारों होना चाहिए, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है आपका सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इसमें होता है कि मान लो अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर आ रहा है, मान लो ये पेयर आर के अंदर आ रहा है, तो अगर सिमेट्रिक होना है तो इसका उल्टा वाला जो है बी कोमा ए वो भी आर के अंदर आना चाहिए। तो ए कोमा बी और उसका उल्टा बी कोमा ए, हर ए कोमा बी के हिसाब से अगर उसका उल्टा बी कोमा ए आ रहा है तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर ये आ रहा है तो इसको भी आना जरूरी है, ए कोमा बी अगर आ रहा है तो उसका उल्टा बी कोमा ए भी अगर उसमें आएगा तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। लास्ट अप है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में दो गिवन कंडीशन है, क्या, इफ ए कोमा बी है आर के अंदर एंड बी कोमा सी भी आर के अंदर है, ए कोमा बी और बी कोमा सी दोनों ही दोनों रिलेशन आर के अंदर है, देन क्या आना चाहिए बताओ, कौन सा एलिमेंट आना चाहिए ताकि उस ट्रांजिटिव बन जाए, ए कोमा सी बताओ। हाँ ए कोमा सी, अरे ए कोमा सी, ए कोमा सी, वेरी गुड, ए कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर आना चाहिए। हाँ वेरी गुड, ए कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर आना चाहिए, तभी जाके वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, तभी जाके क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर, सिमेट्रिक मतलब अगर ये है तो इसका रेसिप्रोकल आना चाहिए, ट्रांजिटिव मतलब अगर ए कोमा बी ए और बी कोमा सी है तो ए कोमा सी भी आना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे रिलेशन जो तीनों हो जाते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों के तीनों है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, और तीनों अगर हो जाएंगे तो बोलेंगे रिफ्लेक्ट इक्विवेलेंस। अब समझो इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्सिव, हाँ बोलो सर, एक बार वो कोडोमेन वाला समझा दीजिए, वो डाउट है सर उसको। कोडोमेन मतलब, जो कोडोमेन क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिलेशन है आर ए से बी, ध्यान से, कोई रिलेशन है आर ए से बी में, चलो उधर ही समझाता हूं, बाकी लोग भी क्वेश्चन ट्राई कर लो। बोला कि कोई रिलेशन अगर आर है मान लो ए से बी, तो आपकी डोमेन आएगी यहाँ से, सेट ए से आपके आएंगे डोमेन के एलिमेंट, सेट ए से आपके क्या आएंगे डोमेन के एलिमेंट, जो जो भी एलिमेंट यूज हो रहे हैं, और जो कंप्लीट सेट बी होता है, कंप्लीट सेट बी होता है जो, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन, जो अपना आउटपुट जिसके अंदर से इमेज हमको उठाना है, ए से बी अगर मान लो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, जो सेट बी होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, को डोमेन, क्लियर है। सेट बी को क्या बोलते थे, को डोमेन। जैसे मान लो एक मैपिंग अगर मैं बताऊँ आपको, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे मान लो है ए बी सी डी, ठीक है, और इसकी मैपिंग ऐसी कुछ है मान लो, ठीक है। तो सेट ए के कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, वन थ्री और फोर, तो वन थ्री और फोर यूज हो रहे हैं, तो वन थ्री और फोर ये हो जाएंगे आपके डोमेन, ये क्या हो जाएंगे, डोमेन। सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए, ए सी और डी, तो ये हो जाएंगे आपकी रेंज, ये क्या हो जाएंगे, रेंज। और जो कंप्लीट सेट बी है वो आ जाएगा कोडोमेन, कंप्लीट सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन, मतलब ए बी सी डी क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या है, समझ में आया, बोलो। ये कंप्लीट सेट बी क्या हो जाएगा, कोडोमेन, आ गया, ठीक है। चलो बताओ इसमें से आर वन और आर टू में से कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा, कि दोनों होंगे, सर सर आर वन, हाँ आर वन, क्या आर वन रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्या आर टू रिफ्लेक्सिव होगा, No, क्यों नहीं होगा सर, टू टू नहीं, हाँ वेरी गुड, इसमें टू टू का एलिमेंट नहीं है, आर टू इज नॉट रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड,
वेरी गुड. अच्छा अगर मैं बोलूं R1, क्या R1 ट्रांजिटिव है? चेक करो. यस सर. नो सर. चेक चेक कैसे करेंगे ट्रांजिटिव के लिए? सिस्टमैटिक दो के पेयर देखने पड़ेंगे. हाँ चलो R1 के लिए चेक करते हैं. जैसे देखो 1,1 लिया तो 1,1 के साथ जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, A,B, ये A,B हो गया. और दूसरा B,C चेक करना है तो B,C के लिए यहाँ पे भी 1 चाहिए. तो 1 के साथ कौन कौन से एलिमेंट है? ये वाला है. तो इनका इनका क्या बनेगा? ट्रांजिटिव पेयर 1,3. तो 1,3 है सेट के अंदर. ठीक है और कौन से हैं कि जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं? और कोई भी नहीं है. ठीक है तो इसके साथ ट्रांजिटिव बन गया. फिर अगला चेक करते 2,2 के साथ. तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है? 1 है. इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 2,2 कैंसिल, 2,1, 2,1,1 भी है. ठीक है तो इसका भी ट्रांजिटिव पेयर बन रहा है. अगला 3,3 के साथ चेक करते हैं. तो 3,3 से यहाँ पे 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या एलिमेंट? 3 से स्टार्ट होने वाला कोई भी, तो इसके साथ ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है. फिर अगला कौन है? 1,3. तो 1,3 के साथ अगर चेक करें तो यहाँ पे स्टार्टिंग 3 से होने वाला कौन सा? 3,3 है. तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 1,3. तो 1,3 भी सेट के अंदर आ रहा है. फिर लास्ट क्या बचा? 2,1. 2,1 के साथ कौन कौन आ सकता है? 1,1 और 1,3. 2,1 के साथ क्या क्या आ सकता है? 1,1 और 1,3. इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 2,1. और इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 2,3. क्या समझ में आया? हेलो. इनका ट्रांजिटिव देखो क्या बनेगा? 2,1 का आता 2. हाँ 2,3 का एलिमेंट नहीं इसलिए नॉट ट्रांजिटिव. वेरी गुड, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन. 2,3 का एलिमेंट इसके अंदर नहीं इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव होगा लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा. ठीक है और सिमेट्रिक तो है ही नहीं. चलो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे करके पेयरिंग करके चेक कर लेना, ध्यान रखना. चलो एक ये क्वेश्चन कर लो फटाफट, बाकी सेकेंड वाला घर पे ट्राई करना. फिर सेट ए दिया हुआ है 1,2,3. रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया 1,1,2,2,3,3, 1,2,2,1,2,3,3,2. तो बोला ए कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होगा, फिर क्या नहीं होगा? करो चेक इसके बारे में. सर फर्स्ट का डी है. फर्स्ट का डी आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है देखते हैं. अच्छा चलो बताओ जल्दी से बाकी लोग भी, क्या रिफ्लेक्सिव है ये? सर डी है. अच्छा रिफ्लेक्सिव है क्या? यस सर. क्योंकि देखो एलिमेंट क्या क्या है? 1, 2 और 3. तो कैसे चेक करेंगे? 1, 1, 2, 2 और 3, 3 आ रहा है. हाँ 1, 1 आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, 3, 3 आ रहा है. हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग है. क्या सिमेट्रिक है? यस सर. तो चेक करो क्या उनके उल्टे एलिमेंट है कि नहीं है. तो 1, 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 है. 2, 1 रेसिप्रोकल 1, 2 वही. 2, 3 का 3, 2 है, मतलब सिमेट्रिक भी है. ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा. तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2-2 के पेयरिंग चेक करना पड़ेगी. सबसे पहले मानो 1,1 लिया तो 1,1 के साथ कौन आएगा? एक तो 1,2 आ सकता है, 1,2. और इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? 1,2. तो 1,2 है. 1,2. फिर अगला पेयर अपन ने, हाँ अगला पेयर सीधा किया अपन ने, मान लो 2,2. 2,2 के साथ कौन आएगा? 2,1. 2,3. हाँ 2,1 और 2,3. वेरी गुड. इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 2,1. और इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? 2,3. दोनों के दोनों आ रहे हैं, दोनों है. फिर अगला चेक करेंगे 3,3 के साथ. 3,3 के साथ कौन कौन आ सकता है? 3,2. बस इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा? वापस 3,2 ही बनेगा, वो तो ऑलरेडी है. फिर 1,2 के साथ चेक कर लेते. 1,2 के साथ कौन कौन से पेयर आएंगे? 2,1 आएगा और 2,2 आएगा. दोनों का ट्रांजिटिव क्या बन रहा है? एक 1,1 बन रहा है और एक 1,2 बन रहा है. दोनों के दोनों है एलिमेंट. नेक्स्ट चेक कर लेंगे अपन किसका? 2,1 के साथ. तो 2,1 के साथ एक तो क्या क्या 1,1, 1,2. इन दोनों का भी आई थिंक पेयर बन जाएगा. 2,1 भी है और 2,2 भी है. लास्ट चेक कर लेंगे 2,3 के साथ. 2,3 के साथ देखो क्या क्या सकता है. 3,2 और 3,3. तो ये भी है और 2,3 भी है. आई थिंक सारे आ रहे हैं. सारे आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? ऑप्शन ये आ रहा है.
एक रह जाएगा शायद, नहीं नहीं सारे आ रहे थ्री टू के साथ, नहीं एक के साथ शायद, एक नहीं बन रहा है, चेक करो देखो। अगर मान लो थ्री टू लेता हूं मैं, थ्री टू के साथ टू वन अगर लिया, इसका पेयर क्या बनेगा देखो, एक रह गया तुम्हारा, गलती गलत हो गया तुम्हारा, थ्री वन, थ्री टू का के साथ पेयर क्या बनेगा, थ्री वन बनेगा, थ्री वन कहाँ है देखो, थ्री टू, थ्री टू एलिमेंट के साथ क्या बनेगा, थ्री टू और टू वन को अगर साथ में ले लेंगे तो इसका पेयरिंग क्या बनेगा, थ्री वन, थ्री वन है क्या, नहीं है, तो क्या ट्रांजिटिव हुआ, बोलो, हाँ नॉट ट्रांजिटिव, तो देखो एक रह गया अपना, तो इसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन बी, रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ऑप्शन सी, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, हाँ तो ये ध्यान रखना, ठीक है चलो अगले बच्चे, हाँ आप अगला, अगला है आपका फंक्शन, फंक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ सबसेट, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, बेसिकली रिलेशन का एक टाइप है, रिलेशन का एक तरह का टाइप होता है फंक्शन, वन ऑफ द टाइप क्या होता है, फंक्शन होता है जो कुछ रूल्स को फॉलो करता है, विच फॉलो सम रूल, वो रूल क्या होते हैं कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ए से बी में अगर मुझे कोई फंक्शन बनाना है, ए से बी में अगर कुछ फंक्शन बनाना है, तो बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है बता जल्दी, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, बोलो, एक एक छोटी सी लाइन है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा बताओ, कैसे सीखा था आपने फंक्शन को, फंक्शन होने के लिए बेसिक फंडामेंटल रूल क्या है, याद है किसी को, इमेज का इमेज होना, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक रूल क्या था इसका, एक बहुत अच्छी लाइन है, एक सिंपल, अगर एक लाइन ध्यान रखोगे तो हमेशा ध्यान रखो, चलो मैं लिखा देता हूँ, देखो देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ इमेज इन सेट बी, शुड हैव अ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ, लाइक अच्छा इसमें भी एक करेक्शन है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ, शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है, और देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एवरी एलिमेंट, एक तो एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट है और ओनली वन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ो इसको, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी, इसका मतलब क्या है, सेट ए की हर एलिमेंट की एक तो इमेज होनी चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए में खाली नहीं रहना चाहिए, पहली चीज, कोई भी एलिमेंट सेट ए खाली नहीं रहना चाहिए, फंक्शन होने के लिए हर एलिमेंट की क्या करनी पड़ेगी, इमेज बनानी पड़ेगी, और एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, एक एलिमेंट की क्या बनेगी, सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है, हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए लेकिन एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बनानी है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन, ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन, तो आपको दो रूल ध्यान रखना है, क्या, सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए और एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए, क्या है, समझ में आया, जल्दी बताओ, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज बन रही और एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही, तो ही इसको अपन फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो तीन तरह की मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, बताओ फिगर वन टू और थ्री में कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा, कि तीनों फंक्शन होंगे, क्या फर्स्ट वाला फंक्शन है, क्योंकि देखो हर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, वेरी गुड, क्या सेकंड वाला फंक्शन है, नो सर, नो सर, हाँ रीजन क्या है इसका, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, इसलिए नो, क्योंकि इसके दो इमेज है, हाँ वेरी गुड, थर्ड वाला है सर, यस सर, है सर, हाँ क्या हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, इसलिए ये फंक्शन है, ध्यान रखना, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है इसलिए फंक्शन है, वेरी गुड,
चलो तो ग्राफिकल चेक करने का तरीका क्या होता है, कोई भी ग्राफ को चेक करना है फंक्शन है कि नहीं तो क्या करना, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन होगा, वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन नहीं होगा। ये आपका ग्राफिकल टेस्ट है, क्योंकि मान लो कोई भी आपको ग्राफ दे दिया और पूछा कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना उस ग्राफ में, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन अगर बनाई आपने कहीं पे भी, और वो कहीं पे भी अगर वर्टिकल लाइन बनाने पे एक भी जगह अगर मान लो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक्स के लिए दो दो वाई आ रहे हैं, मतलब एक इनपुट के लिए क्या आ रहे हैं, दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो फंक्शन नहीं होगा। एक इनपुट पे क्या चाहिए, एक ही आउटपुट चाहिए, इसलिए फंक्शन होगा। फंक्शन होने के लिए एक एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, यहाँ पे एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है इसलिए फंक्शन नहीं है। तो आपको कैसे चेक करना है, ग्राफिकली वर्टिकल लाइन, ग्राफ को वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना तो फंक्शन होगा या नहीं होगा पता चल जाएगा। जैसा अगर मैं बात करूं कोई फंक्शन है, मान लो एफ एक्स इक्वल टू, या फिर ऐसा समझो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वो पूछा क्या है फंक्शन है कि नहीं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का मैं ग्राफ बनाऊं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये पैराबोला है, और वाई स्क्वायर में पैराबोला कैसा बनता है, ऐसा x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये आपका ग्राफ है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है बताओ, क्या ये फंक्शन होगा? नो सर, नो सर, हेलो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर रही है इसलिए हाँ नॉट अ फंक्शन। ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके यहाँ पे जैसे मैंने दिया है क्वेश्चन, सर इसके नोट्स तो मिलेंगे ना? हाँ नोट्स मैं आपको ग्रुप में अभी भेज दूंगा, नोट्स भी भेजूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा, तो आपको दोनों काम करने हैं, नोट्स भी ट्राई करना प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सेट एक्स दिया है सेट वाई दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसमें से कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा, एक्स से वाई में कौन सा फंक्शन होगा चेक करो एबीसीडी ऑप्शन में। सेट ए में दिया है एलिमेंट ए बी सी डी ई, सेट बी में है पी क्यू आर एस टी, तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, जो बेसिक दो रूल है उनको चेक करके देखो, और किसी को भी डाउट आए तो पूछ लेना, बार बार बोल रहा हूँ ये स्टार्टिंग हो रही है अभी, तो आपको अगर मान लो अभी भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। इसमें से कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, चार ऑप्शन आपको दिए, चेक करो ऑप्शन वाइज। कौन सा नहीं होगा पहले वो निकाल लो तो पता चल जाएगा कौन सा होगा। देखो सर ए नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा ए वाला, ए वाला का क्यों नहीं होगा सर, यहाँ बी की दो इमेज है। वेरी गुड, बी की दो इमेज है, बी जो है आर भी बना रहा है एस भी बना रहा है, अगर एक एलिमेंट दो इमेज बनाएगा तो फंक्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। वेरी गुड, ऑप्शन बी यस सर फंक्शन नहीं है सर, नो सर। हाँ रीजन, रीजन रीजन का है सर, क्योंकि ई का कोई इमेज नहीं है सर, एक एलिमेंट खाली है, हर एलिमेंट इमेज, हाँ एक एलिमेंट खाली है इसलिए। वेरी गुड, ई की इमेज यहाँ पे नहीं है इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट खाली रह गया। वेरी गुड, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलो ऑप्शन सी है सर, ये है सर, यस। हाँ देखो ए बी सी डी ई हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही बार इमेज बन रही है इसलिए ये वाला फंक्शन होगा। ऑप्शन डी यस सर होगा। हाँ यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी ई हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही बार इमेज बन रही है इसलिए ये वाला भी फंक्शन होगा। ठीक है, इसमें से किसी को भी कोई डाउट हो किसी ऑप्शन में तो अभी पूछ लो, एनीवन जल्दी से देख लो, अगर कोई डाउट अभी भी है आपको दिमाग में तो पूछ लो। नहीं है डाउट सर, एक बार ट्रांजिटिव और वो क्या नाम है, एक बार ट्रांजिटिव वाला बता दो। ट्रांजिटिव तो अभी तो बताया, चलो मैं वो आपको लास्ट में समझा दूंगा, फिलहाल अभी इस वाले पार्ट में कोई डाउट है क्या? नो सर। इसका भी देखिए देख लेना, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक कोई क्लियर है सबको, बोलो जल्दी से। ठीक है
अब नेक्स्ट है अपना अगला इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन. अगला इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन. टाइप्स ऑफ फंक्शन में भी अच्छे अच्छे जो आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इंजेक्टिव फंक्शन. एक नाम बोलता है इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन को एक नाम से और जाना जाता है वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन. अब ये हाँ वेरी गुड. अब ये फंक्शन के टाइप है, मतलब फंक्शन के डेफिनेशन को तो फॉलो करेंगे सही, फंक्शन तो होना ही चाहिए. अब फंक्शन के भी स्पेशल कुछ टाइप है जो स्पेशल कुछ डेफिनेशन मतलब स्पेशल कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं टाइप्स. मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन हमको देखना है, तो ये फंक्शन तो होंगे लेकिन उसके कुछ टाइप है. उसमें वन वन की क्या स्पेशलिटी है, वन वन कोई भी फंक्शन को वन वन तब बोलेंगे जब, बताओ क्या था इसके अंदर, याद है बताओ जल्दी से. बोलो बताओ फंक्शन तो है, हर एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही तो फंक्शन तो है. अब क्या ये वन वन है? नो सर. क्यों? सब बी और सी का वो एक इमेज. हाँ बी और सी का एक ही इमेज बन रहा है. तो वन वन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसको हिंदी में लिखता हूँ या फिर इंग्लिश में समझा देता हूँ आपको. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी. एक सेकंड क्या होगा इसको, एक सेकंड ना, पेन टेप शायद मेरा वर्क करना भूल गया. देखो वन वन होने के लिए क्या बताया गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी. सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए, मतलब कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बननी चाहिए. तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, वन वन. एक सेकंड ना बच्चों, पेंट है मेरा वर्क करना, पता नहीं क्या हो गया इसको. तो मैं तब तक कुछ आगे दिखा देता हूँ आपको. वन वन हो गया. वन वन अगर नहीं है तो फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, अगर वन वन नहीं है तो उसको ये वाला कौन सा फंक्शन होगा वन वन के अलावा. मैनी वन. हाँ मैनी वन. अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा. अच्छा इसके अलावा एक और चीज होती थी, एक सेकेंड ना, ये क्या हो गया इसको. एक सेकंड बच्चों, मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. एक्चुअली पेन टेप में शायद कुछ इशू आ गया. अच्छा चलो मैं तब तक ओरली अपन पढ़ते हैं, ट्राई. तो ये बताओ कि एक होता था वन वन फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है. ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या था, किन फंक्शन को ऑन टू बोलते हैं? रेंज इक्वल टू कोडोमेन. हाँ बताओ तब तक. हाँ वेरी गुड. किन फंक्शन को हम ऑन टू बोलेंगे, ऐसे फंक्शन को ऑन टू बोला जाता है जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो, तो उनको फंक्शन को बोलते हैं ऑन टू. और वन वन होने के लिए बेसिक रूल क्या था कि कोई भी फंक्शन वन वन कब कहलाएगा, जब उसमें क्या कहते हैं, हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बननी चाहिए. हर एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव अ यूनिक इमेज. हाँ हर एलिमेंट की कैसी बननी चाहिए, यूनिक इमेज इन सेट बी. अगर हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बनेगी तो फंक्शन हो जाएगा वन वन. अच्छा वन वन चेक करने के लिए क्या क्या तरीके आपने सीखे थे, एक मिनट में तब तक इसको सॉर्ट करूं, तब तक मन ओरली ऐसी बात कर लेते हैं. कोई भी फंक्शन अगर वन वन है तो वन वन चेक करने के लिए क्या तरीका होता है,
सर अगर दो वैल्यू पे फंक्शन इक्वल वैल्यू दे रहा है तो वो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ वेरी गुड, मतलब अगर मान लो मैं f of x1 equal to f of x2 को इक्वेट करूं और फाइनली सॉल्यूशन के बाद सिर्फ अगर x1 equal to x2 आ रहा है, सिर्फ ध्यान रखना वर्ड के, हाँ वेरी गुड, मैंने वर्ड क्या यूज किया, सिर्फ x1 equal to x2 आना चाहिए। अगर x1 equal to x2 आ रहा है इसका मतलब फंक्शन 1-1 हो जाएगा। अच्छा एक तरीका ये हो गया, ग्राफिकल कोई तरीका है कि 1-1 चेक करने का, ग्राफ से क्या मैं देख के बता सकता हूँ कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है? सर वर्टिकल अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो कैसे दिखना चाहिए? नहीं वर्टिकल लाइन, देखो वर्टिकल लाइन टेस्ट तो फंक्शन के लिए होती बेटा, ये कोई भी अगर फंक्शन अगर है तो चेक करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। 1-1 चेक करने के लिए क्या तरीका है बताओ, कोई भी फंक्शन 1-1 कब होगा? नहीं वन वन चेक करने के लिए क्या तरीका होगा सर, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही वो पॉइंट पे काटे तब? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ में ड्रॉ करी अगर वो एक ही जगह कट करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। ध्यान रखना 1-1 चेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का टेस्ट होता है, और कोई भी फंक्शन को फंक्शन चेक करना, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, और 1-1 के लिए अगर चेक करना है तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर अपन ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन होगा 1-1। एक और अच्छा तरीका सिखाता हूं मैं आपको, ये भी बहुत आसान तरीका, देखो एक तरीका तो आपको मैंने क्या बताया कि अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू किया अपन ने और सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर में ओनली सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ रहा है क्या, कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, देन फंक्शन क्या हो जाएगा 1-1। एक मेथड ये हो गया, ये पहला मेथड हो गया आपका कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो, सिंप्लीफिकेशन के बाद एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ रहा है तो फंक्शन 1-1। सेकेंड मेथड क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ग्राफ पता है फंक्शन का और हॉरिजॉन्टल लाइन कट्स एट ओनली वन पॉइंट, कट्स एट ओनली वन पॉइंट, देन फंक्शन क्या हो जाएगा 1-1। सेकेंड ये, और एक थर्ड तरीका और होता है डेरिवेटिव वाला, किसी को पता है डेरिवेटिव से कैसे चेक करते 1-1 है कि नहीं है बताओ? डिफरेंशिएशन करके भी अपन पता कर सकते, और ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी फंक्शन को चेक करने का। तो ध्यान रखना अगर फंक्शन कोई भी मोनोटोनिक है, हाँ बताओ, या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, अगर फंक्शन कैसा है कंप्लीटली या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब अगर या तो ऐसा हो या ऐसा हो, उस केस में अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कट ड्रॉ करोगे तो हमेशा एक ही जगह कट करेंगे, तो अगर फंक्शन कंप्लीटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनिक है, तो ऐसे फंक्शन को भी हम क्या बोलेंगे 1-1, ऐसे फंक्शन को भी हम क्या बोलेंगे 1-1। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का तरीका क्या होता था, डीवाई बाई डीएक्स, क्या चेक होगा, डीवाई बाई डीएक्स, अगर उसका डिफरेंशिएशन या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या तो ग्रेटर देन जीरो है क्या लेस देन जीरो है, समझ में आ रहा है, अगर डिफरेंशिएट करने पे या तो कंप्लीटली पॉजिटिव आ रहा है या कंप्लीटली नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन भी क्या हो जाएंगे 1-1 हो जाएंगे। तो आपको देखो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन लंबी चल जाती है, और यहाँ पे अगर आप मान लो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे और किसी इंटरवल में चेक करना, अगर डिफरेंशिएशन करने पे फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1-1, और डिफरेंशिएट करने पे फंक्शन अगर कंप्लीटली नेगेटिव आ रहा है तो भी 1-1, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो फंक्शन 1-1 नहीं होगा, ठीक है। तो तीन तरीके, पहला तरीका ये वाला, दूसरा तरीका ये वाला, और तीसरा तरीका यूजिंग डेरिवेटिव, क्या ये समझ में आया बताओ? यस सर। जैसे एग्जांपल अगर मिलू वाई इक्वल टू मान लो एक्स क्यूब, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब के बारे में चेक करने को बोला कि बताओ ये 1-1 है कि नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव अगर अपन निकाला है तो क्या आएगा, 3x² पॉजिटिव है सर हमेशा, 3x² ऑलवेज पॉजिटिव है, चाहे एक्स कुछ भी रखो ऑलवेज क्या है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1-1, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा 1-1, ठीक है। अगर इसको आप ग्राफिकली भी देखोगे तो देखो एक्स क्यूब ग्राफ कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ, ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो इस एक्स क्यूब का ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन कैसा है 1-1 फंक्शन है। तो ये बहुत अच्छा तरीका, ध्यान रखना आप, अच्छा बोर्ड्स में भी अपना सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, तो बोर्ड्स में भी ये तरीका अपना सकते हो, आप डिफरेंशिएट करके देख लेना, अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो भी 1-1 है, नेगेटिव है तो भी 1-1 है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में सिखाया कैसे चेक करना है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1-1 हो जाएगा, और फंक्शन अगर 1-1 नहीं है तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलेंगे मैनी वन, क्या बोलेंगे मैनी वन, मैनी वन मतलब किसी भी दो तीन एलिमेंट की सेम इमेज बन रही, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे 1-1, मैनी वन सॉरी, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे
और फाइनल रिलेशन में अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 ही आए तो वन वन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 इक्वल टू x2 के साथ दूसरा सॉल्यूशन क्या रहा है, ये तो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं यहाँ पे। फाइनली अपन ने इसको x1 इक्वल टू x मतलब f of x1 इक्वल टू f of x2 के सिंपलीफाई किया तो दो फैक्टर बन रहे, एक तो ये वाला तो दो फैक्टर बन रहे, इसलिए नॉट अ वन वन। इसलिए आंसर क्या आएगा, नॉट वन वन। सिर्फ अगर ये आंसर आता, ओनली ये आंसर आता तो वन वन होता यहाँ पे, यहाँ पे दो तरह के आंसर आ रहे हैं इसलिए वन वन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स वन वन और नॉट, इसके बारे में तुम कमेंट कर सकते हो क्या? तो दोनों तरीके से देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर करें तो एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन कितना होगा बताओ, इसमें अगर एक्स की जगह एक्स वन रख देंगे तो कितना आएगा बताओ, एक्स की जगह एक्स वन रखो, हाँ x1 रख दोगे ना तो x1 plus cos x1 आ जाएगा, x की जगह x2 रखोगे तो क्या आएगा x2 plus cos x2। अब यहाँ से तो मैं देख कर नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं होंगे, चेक नहीं पता नहीं चल पाएगा कि x1 x2 अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो दूसरा तरीका अपनाते हैं अपन, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ कितना आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा वन, हाँ x का डिफ्रेंशिएशन वन, cos का डिफ्रेंशिएशन sin x, तो वन माइनस sin x। अच्छा आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये क्वांटिटी क्या ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है f'x? नो सर। अच्छा मुझे ये बताओ sin x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, sin x की रेंज क्या होती है sin x? माइनस वन टू वन, हाँ माइनस वन से वन, मतलब वन से हमेशा छोटा होता है, मतलब ये वैल्यू वन से छोटी है तो वन माइनस साइन एक्स क्या होगा, देखो साइन एक्स इज लेस देन वन, साइन एक्स उधर चला गया, उधर अगर साइन एक्स को भेज दो तो वन माइनस साइन एक्स हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो। हेलो क्या कोई कुछ कह रहा था, हेलो हेलो सर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या समझ में आ रहा है? हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है जल्दी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है तो क्या ये वन वन होगा? यस सर। ठीक है, यस सर, इंक्रीजिंग है, हाँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन। तो ये ध्यान रखना आप, तो दूसरा तरीका भी था ये। ऑन टू फटाफट देख लो, ऑन टू मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर हो, मतलब सेट बी जो होगा वो उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू, ये ध्यान रखना। इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन द फंक्शन विल बी ऑन टू, और फंक्शन अगर ऑन टू नहीं हो तो उसको फिर बोल देंगे इन टू। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या सर? आ रही है, सर आ रही है। ओके ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन आ रही है, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल होगा तो फंक्शन हमेशा कैसा होगा, ऑन टू होगा। ऑन टू मतलब बेसिकली क्या है, वही मतलब है कि अगर सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, सेट बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे तो ऐसे फंक्शन को अपन ऑन टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑन टू। ठीक है, ये फिर से शायद कुछ हैंग हो गया आज। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मान लो कोई f दिया हुआ है r से r, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई कोई फंक्शन ऐसा दे f a से b, कोई भी फंक्शन ऐसा दे f a से b, तो जो सेट a होता है ध्यान रखना बच्चों, वो होता है आपका डोमेन, सेट a क्या क्या बोलते हैं आपको, डोमेन फंक्शन के केस में, सेट b आपका होता है कोडोमेन, सेट b आपका क्या होता है, कोडोमेन, तो सेट a डोमेन और सेट b कोडोमेन है। तो ऑन टू के लिए अगर चेक करना है तो आपको रेंज निकालनी होगी खुद से, रेंज आपसे खुद, रेंज आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद से निकालनी पड़ेगी। और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ जाता है, देखो कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में देंगे, ए से बी अगर बोल रहा है तो कोडोमेन आपको हमेशा क्वेश्चन में देंगे, रेंज आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ गए तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इस क्यूबिक की रेंज क्या होगी, अगर x बिलोंग्स टू r है, x की वैल्यू ऑल रियल नंबर है, तो x अगर ऑल रियल नंबर है तो फंक्शन जो क्यूबिक अपन को दिया हुआ है इसके फैक्टर अगर अपन निकाल पाए, आप उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर पाओ अगर, ठीक है, तो ये भी सारी सारी रियल नंबर को फॉलो करेगा क्या, जैसे इसके फैक्टर अगर निकालू x की जगह 1 रखो अगर, x की जगह माइनस वन अगर रखें तो हो जाएगा 1 + 3, तो 1 और 2 - 1 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन अगर आप लॉजिकली बोलोगे देखो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो इस केस में x को कुछ भी रखो, अगर x की ऑल रियल नंबर है तो y भी आपका ऑल रियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन दोनों के दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, कैसे देखो ये आपकी क्या है कोडोमेन, ये आपकी क्या है कोडोमेन, और आपकी इसकी अगर रेंज निकालोगे y की वैल्यू, क्योंकि सिंस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू हर पॉसिबल नंबर है तो y भी आपका क्या आएगा ऑल रियल नंबर, तो आपकी यहाँ से रेंज भी क्या आएगी ऑल रियल नंबर, तो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ऐसे फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू दोनों होते हैं ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो 1-1 भी हैं और ऑन टू भी हैं तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव, क्या इनटू मतलब ऐसे फंक्शन जो ऑन टू नहीं होंगे उनको इनटू बोलेंगे, हाँ ऐसे फंक्शन जो ऑन टू नहीं होंगे उनको बोलेंगे इनटू, जैसे जो 1-1 नहीं होते उनको क्या बोलते हैं मेनी वन, जो 1-1 नहीं होते उनको बोलते हैं मेनी वन, तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे उनको बोलेंगे इनटू फंक्शन, ठीक है, और ऐसे फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू दोनों हो रहे हो उन फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव, उन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, उन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बाइजेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है, जो ऐसे फंक्शन जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे बाइजेक्टिव। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये चेक करना है जैसे ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू होगा कि नहीं होगा इसके बारे में चेक करना है, तो सबसे पहले बताओ 1-1 के बारे में क्या ये 1-1 है या नहीं है, चेक करो 1-1 के बारे में, तो 1-1 बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट कर दो, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करो और देखो 1-1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर नहीं समझ आया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से कौन सा नहीं आया सर, यही 1-1 और 1-2, 1-1 ऑन टू नहीं समझ में आया, ये तो आपके पुराना सिलेबस है ना, मतलब ठीक है सर, ये क्वेश्चन 1-1 के बारे में मैंने क्या, ठीक है मैं वापस सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से 1-1 चेक करने के लिए f of x1 equal to f of x2 लगाना पड़ेगा, तो f of x1 equal to x2 करोगे, देखो ध्यान से एक 1-1 इसको चेक करना है, चेक whether 1-1 और 1-2 है कि नहीं है, ये बाइजेक्टिव है कि नहीं चेक करना है, क्वेश्चन ये है चेक whether f is bijective, bijective मतलब 1-1 और ऑन टू है कि नहीं ये चेक करना, तो सबसे पहले मैं 1-1 चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं 1-1 का चेक, चेकिंग फॉर 1-1, तो 1-1 के लिए मैंने नहीं है क्या, ठीक है f of x1 ये इक्वेट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 square into x2 square, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आएगा x1 square plus x1 square into x2 square equal to x2 square plus x1 square x2 square, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो x1 square equal to x2 square, तो यहाँ से क्या सॉल्यूशन आएगा x1 equal to plus minus x2, मतलब यहाँ से दो सॉल्यूशन है, या तो x1 equal to x2 या फिर x1 equal to minus x2, तो क्या ये 1-1 होगा कि नहीं होगा बताओ, दो सॉल्यूशन आ रहे ना, नहीं होगा नहीं होगा, सिर्फ अगर अकेला यही आना चाहिए, यही तो बताया था, अकेला सिर्फ ये सॉल्यूशन आता तो 1-1 होता है, तो ये 1-1 ही होगा नॉट 1-1, ये कैसा हो जाएगा मेनी वन, दो सॉल्यूशन आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा मेनी वन, ध्यान रखना,
ओनली अगर सिर्फ ये आता तो वन वन होता। अब रेंज और अब ऑन टू चेक करने के लिए रेंज और कोडोमेन चेक करो, चेक फॉर ऑन टू, क्या कोई इसकी रेंज बता सकता है कि रेंज कैसी होगी, मतलब वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? सार होगा। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर, हाँ नेगेटिव कभी नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक चीज और है इसके अंदर, जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। देखो ध्यान से, क्या ये समझ में आता है? ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे सेम एक्स स्क्वायर है, लेकिन नीचे क्या प्लस वन है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर से क्या आएगी, एक छोटी आएगी हमेशा। जैसे ऊपर मान लो पांच है तो नीचे आएगा छह, ऊपर आठ है तो नीचे आएगा तीन, सॉरी ऊपर आठ है तो नीचे आएगा नौ। तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में हमेशा डिवाइड ज्यादा से हो रहा है, मतलब ये जो वाई होगा ये हमेशा वन से क्या होगा, छोटा होगा, जीरो से बराबर होगा। हाँ, तो वैसे तो वाई की वैल्यू आपकी लाई करेगी जीरो से लेके वन, ये आपकी हो गई रेंज, ये आपकी क्या हो गई रेंज। और आपकी कोडोमेन क्या है बताओ इस क्वेश्चन की? कोडोमेन, कोडोमेन सेकंड सेट क्या है? आर एस ओपन होगा ना, तो कोडोमेन तो हाँ जीरो और वन दोनों क्लोज होगा, क्योंकि अगर मान लो एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? वन। और हाँ जीरो नहीं हो सकता, वन पे ओपन होगा ना, नहीं एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई वन आ जाएगा ना, नहीं नहीं सॉरी, हाँ वन पे ओपन होगा, सही बताया आपने, वन पे क्या होगा ओपन होगा, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई भी जीरो रहेगा और वन पे आएगा ओपन, करेक्ट। तो कोडोमेन आपकी सिंस आर है तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो फंक्शन वन वन सॉरी ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो फंक्शन कैसा होगा? इन टू, फंक्शन कैसा हो जाएगा? इन टू। क्या ये समझ में आ गया बताओ? ओपन मतलब ये वन आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना था। वन मतलब देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी भी बराबर नहीं होंगे, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा आएगा, तो ये कभी भी वन कब आएगा जब दोनों बराबर हो, ये कभी बराबर नहीं होंगे इसलिए वन कभी नहीं आएगा, इसलिए वन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जीरो आएगा इसलिए जीरो को इंक्लूड करेंगे, जीरो से वन मतलब वन से पहले नंबर आएंगे, वन वन कभी नहीं आएगा, ठीक है? बोलो ध्यान से, क्या समझ में आया? यस सर। बोलो बच्चों। यस ठीक है, ओके यहां तक हो गया। एक होता था आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल दिया है मान लो 3x + 8/2, तो फाइंड एफ इनवर्स, इसका फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, सही बताया आपने, y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी y के टर्म्स में। क्या निकालनी पड़ेगी x की वैल्यू y के टर्म्स में, तो क्या करोगे देखो ध्यान से, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x + 8, यहाँ से आपको पता करना x कितना होगा, तो 2y - 8 इक्वल टू कितना है 3x, सो 3x इक्वल टू बेसिकली क्या है 2y - 8, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2y - 8/3, क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x दिया था, यहाँ से अपने x निकाल लिया। अब ध्यान से देखो, इनवर्स निकालने की लास्ट स्टेप क्या होती है, x को आप लिख सकते हो बेसिकली, देखो y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू क्या होता है fx, तो f उधर जाके क्या हो जाएगा f इनवर्स, तो इधर क्या बचेगा x, तो x की जगह हम लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, x की जगह आप क्या लिख सकते हो बेसिकली, x क्या है y का इनवर्स, x की जगह क्या आ जाएगा, देखो कैसे निकाला अपन ने इसको, कैसे रिप्लेस किया, देखो ध्यान से, y इक्वल टू fx होता है, y इक्वल टू क्या माना अपन ने fx, तो f उधर जाके क्या हो जाएगा f इनवर्स, f उधर जाके क्या हो जाएगा f इनवर्स, तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, f को अगर उधर भेज दोगे तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू फाइनल क्या है 2y - 8/3। अब मुझे आंसर x के टर्म्स में चाहिए था, मुझे आंसर किसके टर्म्स में चाहिए था, x के टर्म्स में, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, फाइनली y की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा x,
y की जगह सिंपली क्या रिप्लेस कर दो x, तो y की जगह अगर x रिप्लेस कर दोगे तो जहां जहां y उसकी जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो f इनवर्स ऑफ x फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2x माइनस 8 बाई 3, 2x माइनस 8 बाई 3। बताओ ध्यान से क्या है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर निकालना तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो, फिर फाइनली उसको x और y को इंटरचेंज कर दो लास्ट स्टेप में, तो आपका इनवर्स आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, ये दूसरे क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। तो ये आपका तो इनवर्स हो गया। अच्छा, इसके बाद एक कंपोजिट फंक्शन होता था। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन रखना। जैसे मान लो कोई फंक्शन है fx, 2x plus 3, कोई फंक्शन है gx, 10x मान लो, और आपको बोला है कि मान लो इसका कंपोजिट फंक्शन बताओ f of g, fog, तो बताओ f of gx क्या होगा? तो f के अंदर क्या रखना, gx, मतलब f के 10x रखना, वेरी गुड। तो x के अंदर 10x अगर रखो तो इसके जगह अगर 10x रखो, जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 10x, तो हो जाएगा टाइज ऑफ 10x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला कंपोजिट फंक्शन fog। दूसरा अगर कंपोजिट फंक्शन पूछा आपको गॉफ, तो बताओ गॉफ क्या होगा? सर, tan 2x plus 3। वेरी गुड। जहां fx की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x plus 3 रिप्लेस कर देंगे। तो जहां जहां x आ रहा है, जहां जहां x आ रहा है वहां की जगह क्या रखना है, 2x plus 3, तो 10 के अंदर क्या आ जाएगा, 2x plus 3। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल होता है कंपोजिट फंक्शन का, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना। और इसकी एक थ्योरम होती है जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, वो हमको अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा और इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज मैंने ज्यादा पढ़ाया जानबूझ के, क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास थी, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास से थोड़ा प्रिपेयर होकर आना है। जैसे मान लो आपको, एक तो मैं बता दूंगा कौन सा लेक्चर आपका आने वाला, आपको शायद शेड्यूल भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपको, जैसे मान लो फिजिक्स की क्लास है तो फिजिक्स की क्लास में कौन सा लेक्चर पढ़ाया जाएगा, मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स में क्लास में कौन सा लेक्चर पढ़ाया जाएगा, वो शेड्यूल आपके पास आ जाएगा ग्रुप में। तो आपको थोड़ा सा अब प्रिपेयर होकर आना है नेक्स्ट क्लास के पहले, क्योंकि अब से अपन क्या करेंगे, मैं ज्यादा बेसिक पूरा डिटेल में टॉपिक नहीं पढ़ूंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ूंगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज ये पहला दिन था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दिया। अगली क्लास में भी रिवाइज करूंगा, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे आगे से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा और कंटिन्यू करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ूंगा। तो अगली क्लास में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन ये कंप्लीट करेंगे। तो आप थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आना और रिलेशन फंक्शन रिवाइज करके आना, ताकि अगली क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। बोलो सर। रिलेशन फंक्शन में देखो ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है, इसमें एक फंक्शन ले लेते हैं डिफिकल्ट सा, उसके रूट्स पता करने होते हैं, कितने रूट्स हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताएं, रियल रूट्स, इमेजिनरी जितने भी हैं। वो तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आता बेटा, वो रिलेशन फंक्शन में थोड़ी आएगा, वो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन आपको इसमें इस टॉपिक में नहीं आएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन आती है, वो भी जेईई मेंस में आता है, मतलब एडवांस लेवल पे। आपको सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि आपको इस तरह के पूछेंगे कि हाउ मेनी रियल रूट्स, इसके कितने रियल रूट है, कितने इमेजिनरी रूट्स हैं। उसके लिए तो आपको डिटेल थ्योरी दूसरा चैप्टर है पूरा ही वो। ठीक है, मैं आपको इसके अगली क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन भी लूंगा आपको। फिजिक्स आपके बैच में अभी मुझे भी ध्यान नहीं है कौन सा आपके टीचर, शायद अमित सर या अमित सर होंगे शायद। ठीक है, अमित सर होंगे नहीं तो यश सर, दोनों में से कोई एक सर होंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी फिजिक्स की क्लास। अब शायद अब कब होगी, अगले कब होगी आपकी, फ्राइडे को होगी। ठीक है सर, हमारी जेईई क्लास नहीं होगी, बाकी केमिस्ट्री जेईई के बैच भी चलेंगे, लेकिन जेईई के बैच अभी नेक्स्ट वीक से चालू होंगे। तो आपको पहले ये मतलब आपको डिसाइड करना होगा आपको कौन से बैच के क्रैश कोर्स करना है। सीयूटी का आपको पढ़ना था, सीयूटी के बैचेस में आपको रहना होगा, जेईई में पढ़ना था, फिर जेईई में बैच में जाना होगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको कोई टेस्ट जो होगा उसमें नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है सर, पहले से ही चल रहा था जेईई का कोर्स। कौन सी बैच में थे आप? GB23 ग्रुप में था और